गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल ए जे व्लॉग्स। सो अभी हम लोग ने नुब्रा वैली में स्टे किया था वन डे के लिए, एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पेंगोंग लेक। पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। आई एम वेरी एक्साइटिंग टू एक्सप्लोर दिस पेंगोंग लेक। तो चलिए देखते हैं हाउ इज द पेंगोंग। हे, क्रिस्टल क्लियर वाटर। वी आर इन पेंगोंग फाइनली। थ्री इडियट्स के बाद से मेरा मन था इसको देखने का, एंड इट्स रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल। सो आफ्टर अ 7 आवर्स जर्नी फ्रॉम नुब्रा वैली, वी आर हेयर इन पेंगोंग। आज हमारा स्टे भी यही है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट सी हाउ ब्यूटिफुल। वहाँ पे सारे कैंप्स हैं और ये यहाँ पे लेक है, एकदम ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका। थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो रहा है, बट इट्स फाइन। ऑल इज वेल। हे गाइस, हम लोग अपने कैंप में पहुँच गए हैं। लुक एट द व्यू, पीछे एकदम पहाड़ है, बर्फ है और यहाँ पे सारे कैंप्स हैं। काफ़ी बड़ा कैंप है ये, इसका नाम है वाइल्ड कैंप। अच्छा है, रूम्स भी अच्छे हैं। और वो रही लेक, अभी हमने अपना टी ब्रेक ले लिया है और अब हम जाएंगे थोड़ा फोटो शूट करने लेक पे। दिस इज ब्यूटिफुल। आज हमारा 4th डे है और कल हम वापस ले जाएंगे, एंड देन हम लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। आई वुड सजेस्ट यू, यहाँ पे आप लोग अपना ऑक्सीजन का थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो आप अपना मेडिकल कंसल्टेशन लेकर आए। एंड अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो वो कुछ ऑरेंज कैंडीज या फिर ये कुछ लेके चले, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है नुब्रा वैली से पेंगोंग तक का। और मुझे तो बहुत मोशन सिकनेस, वैसे मुझे होता नहीं है लेकिन इस रास्ते पे मुझे भी हुआ। सो दिस इज़ द व्यू जो मुझे आप लोगों को दिखाना था। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ले पहुँच के। बाय बाय।